पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ने मुरादाबाद में शराब के बढ़ते सेवन और फैटी लीवर डिजीज पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया। सत्र का नेतृत्व दिल्ली से आए डॉक्टर नीरव गोयल के द्वारा किया गया। सत्र के दौरान मरीजों को बताया गया कि शराब के सेवन के कारण आजकल फैटी लीवर डिजीज के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों ने रोग के प्रबंधन और इलाज के तरीकों के बारे में लोगों को जानकारी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर साल 10 लाख लोगों में लीवर सिरहोसिस का निदान किया जाता है और हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु लीवर की बीमारियों के कारण हो जाती है। इनमें से लगभग 25,000 मरीजों को लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी से बचाया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में भारत में हर साल मात्र 1800 लीवर ही ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। देखिए, अनुष्का हॉस्पिटल में एक अपोलो इंफॉर्मेशन सेंटर स्टार्ट करा गया है और मैं डॉक्टर नीरव गोयल हूँ। मैं लिवर ट्रांसप्लांट का हेड हूँ दिल्ली अपोलो में। तो यहाँ पे यहाँ के मुरादाबाद के लोगों की सहूलियत के लिए महीने में एक बारी यहाँ पे आके एक ओपीडी करा जाएगा जहाँ पे मरीजों को देखा जाएगा। प्लानिंग अभी यही है कि हर महीने के चौथे मंगलवार को यहाँ पे आके एक ओपीडी करी जाए। किन चीज़ों का सेवन करने से ये समस्याएं पैदा होती हैं? देखो, लीवर की बीमारी आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है। जो लाइफस्टाइल हो गया लोगों का कि एक्सरसाइज नहीं करना, काफ़ी फैटी वेस्टर्नाइज डाइट हो गया है, तो चर्बी के जमा होने से लीवर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है और वो अब एक नया एपिडेमिक है हमारी कंट्री में। इसके अलावा शराब के सेवन से लीवर डैमेज होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर लीवर के कैंसर्स जो हैं, और कुछ लोगों में गंदा पानी पीने से एक्यूट लीवर फेलियर होता है, जिसमें कि लीवर बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, 3-4 दिन में ही लीवर फेल हो जाता है, जिसमें अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चों में भी हम देखते हैं कि बिलरी एट्रीशिया, मतलब कि जो पैदाइशी पित्त की नलकियाँ नहीं बनती हैं, तो बच्चों में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने की उम्र में लीवर ख़राब हो जाता है और उसमें प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। तो इन कारणों के समाधान के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कराने और जो लोग इन चीज़ों से पीड़ित हैं उनकी सहायता के। चीज़ ये है कि अपोलो के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है और जो भी लीवर के से रिलेटेड मरीज़ हैं जिनको आगे के हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए पूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन और कंसल्टेशन लोकली अवेलेबल हो जाएगा। अपोलो से कुछ डॉक्टर्स भी आपके वहाँ रहेंगे और कब कब रहेंगे, कैसे कैसे? अपोलो से डॉक्टर नीरव गोयल जो वहाँ के लीवर ट्रांसप्लांट के हेड हैं, वो महीने में एक बार आएंगे। अगर ज़रूरत होगी और पेशेंट लोड ज़्यादा होगा तो और भी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। अभी तो शुरू में महीने में एक बार आएंगे वो। कब से शुरुआत करने जा रहे हैं? आज से शुरुआत। अभी से ही आपके पास कुछ लोग आना शुरू हुए हैं या फिर? हाँ, अभी भी डॉक्टर साहब ने 5-6 पेशेंट देखे हैं इससे रिलेटेड, उनको कंसल्टेशन दिया है और उनको लीवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो लोगों को सबको पता है कि जी 2 किडनी होती है। लीवर के लिए एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जी एक ही लीवर है, तो अगर लीवर डोनर ही दे देगा तो उसको क्या होगा। तो वो वाली सारी चीज़ें पेशेंट के दिमाग में बहुत, और उसके रिलेटिव जो डोनर पोटेंशियल डोनर होते हैं उन सबके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो उन क्वेरीज के लिए डॉक्टर मीरा गोयल बेस्ट पर्सन है, उसको पेशेंट को सारा की समस्याओं का जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। कितना खर्चा लगभग आ जाएगा मरीज पेशेंट का, क्या मानते हैं सर? डॉक्टर नीरव ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, किसी को संपर्क करना हो तो कहाँ, आपका कहाँ जाके संपर्क करेगा? अनुष्का हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, जो कांट रोड पे विलेज रेस्टोरेंट और अकबर के किले के बीच में। अनुष्का हॉस्पिटल कुछ जागरूकता के लिए कुछ काम करने जा रहा हो, जो कुछ फायदा पहुँचे लोगों को इन चीज़ों से बचने के लिए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए? जैसा मैंने पहले बताया कि हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वाले दिन पिछले 10 साल से कैंप लगा रहे हैं, 1,500 से 2,000 पेशेंट्स की हेपेटाइटिस बी और सी की फ्री स्क्रीनिंग करते हैं और उनके कंसेशनल रेट पे डीएनए आरएनए करा के उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उस समय अवेयरनेस पेशेंट को जो भी होता है इससे रिलेटेड उसको बताया जाता है, उसके पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाना और जो जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि परिवार में बाकी लोगों को ना फैले ये प्रॉब्लम, उनके लिए एजुकेट